हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब रिवीजन में व्याकरण के अंतर्गत अर्थ के अनुसार वाक्य परिवर्तन, इसका रिवीजन करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब हिंदी के व्याकरण का रिवीजन करेंगे। व्याकरण, व्याकरण में हम सभी अर्थ के अनुसार वाक्य परिवर्तन, इस महत्वपूर्ण व्याकरण का रिवीजन करने वाले हैं। यह एग्जाम में, परीक्षा में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम वाक्य के प्रकारों को जान लें। जो पहला आपका होता है वह है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य जरूरी है परिवर्तन के पहले कि यह जाने कि यह वाक्य है कौन सा और बदलना किसमें है। विधानार्थक वाक्य जो होगा वह, जिसे आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं, वह उस तरह से होगा, सामान्य ढंग से कही गई बात पहली विशेषता है, सामान्य ढंग से कही गई बात दूसरी विशेषता है, एक वाक्य होगा। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे, और कुछ चीजें विस्मय, याद, बोधक चिन्ह, प्रश्न, सूचक चिन्ह, तथा निषेधार्थक शब्द, नहीं, न, मत। विधानार्थक वाक्य में नहीं होगा। मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया रहेगा, आश्चर्य नहीं प्रकट किया गया रहेगा, या फिर किसी बात का निषेध नहीं किया गया रहेगा, न ही, नहीं, न मत जैसे शब्द नहीं होंगे। उदाहरण के रूप में जैसे राम, क्रिकेट खेल रहा है। अब यहां पे देखेंगे तो सामान्य रूप से बात कही गई है। इसी तरह से सूर्योदय होने पर प्रकाश फैल जाता है, ये दूसरी बात हो गई, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से कहीं पे भी यहाँ पे आश्चर्य नहीं प्रकट किया गया है, या जिससे प्रश्न सूचक की सूचना बने, यानी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं है, निषेधार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं है, ऐसे वाक्य जो होते विधानार्थक वाक्य होते हैं। दूसरा प्रकार वह है आपका प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य में
यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द होंगे और दूसरी बात वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं लगा रहता है। तो वहां पे प्रश्नार्थक वाक्य होता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछा गया। दूसरा लड़का आज विद्यालय क्यों नहीं गया, प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें प्रश्नार्थक वाक्यों में यह बात रहती है। प्रश्न पूछने का भाव होता है अंतिम में देखेंगे तो प्रश्न सूचक चिन्ह होगा और साथ में ही यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द होंगे। तीसरा प्रकार वह है आज्ञार्थक वाक्यों में आदेश दिया जाता है, आदेश देने का भाव। दूसरी क्या बातें, निषेधार्थक शब्द। अब तक निषेधार्थक शब्दों से आप परिचित हो गए होंगे, नहीं, न, मत, साथ में ही प्रश्नवाचक शब्द। वो कौन से हैं, क्या, कौन, क्यों, ये जो आपके हैं जिन्हें WH कहते हैं शब्द, आश्चर्य सूचक शब्द जैसे अरे, वाह, अच्छा, आदि नहीं लगा रहता। मतलब अज्ञार्थक वाक्य में आदेश देने का भाव होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए कह रहा होगा, साथ में ही निषेधार्थक शब्द नहीं, न, मत नहीं लगा होगा उसमें, प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, क्यों, कहां, कब, कैसे, कितना, किस लिए, ये नहीं होगा वाक्य में, आश्चर्य सूचक शब्द अरे, वाह, अच्छा, आदि नहीं लगा होगा, तब वह आज्ञार्थक वाक्य होगा। जैसे तुम पढ़ाई करो, तुम मेरे साथ बाजार चलो। यहां आदेश दिया जा रहा है, देखेंगे तो यहां आदेश दिया जा रहा है, तो ये आज्ञार्थक वाक्य हो गए। बच्चों के मन में प्रायः यह संदेह होता है कि आज्ञार्थक वाक्य और विधानार्थक वाक्य में क्या अंतर है। विधानार्थक वाक्य में सीधी बात कही रहती है, राम क्रिकेट खेल रहा है,
इसी को जब हम आज्ञार्थक में हो करेंगे वहां हो जाएगा राम क्रिकेट खेलो। यह दोनों में अंतर होता है। तो अगला चलते हैं, चौथा प्रकार और वह है आपका महत्वपूर्ण एक निषेधार्थक। वाक्य निषेधार्थक वाक्य में निषेधार्थक शब्द होंगे दूसरी चीज क्या, बस निषेधार्थक शब्द होना चाहिए, जैसे नहीं, न, मत वाक्य में लगा होना चाहिए। यह वाक्य में होना ही चाहिए, निषेधार्थक शब्द होना चाहिए, मतलब ये निषेधार्थक शब्द वाक्य में है तो वह निषेधार्थक वाक्य हो गया। जैसे सुरेश पढ़ाई नहीं कर रहा है, या तुम बाजार मत जाओ, या फिर तुम पढ़ाई न करो। अब यहां पे देखेंगे तो नहीं, मत, न, ये वाक्य को निषेधार्थक बना रहे, निगेटिव बना रहे, और इसी के कारण निषेधार्थक वाक्य की रचना होती है। इस तरह से हम जानते हैं। पांचवा है हमारा, चार हमने पढ़ा, विधानार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक और निषेधार्थक, और अंतिम है हमारा विस्मयार्थक। विस्मयार्थक वाक्य, अब इसको कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं? वाक्य के प्रारंभ में विस्मय सूचक शब्द जैसे अरे, वाह, अच्छा, आदि लगे होते हैं। तो वाक्य के आरंभ में, प्रारंभ में ये शब्द लगे होते हैं। दूसरी बात, विस्मय सूचक शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है। एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे आप कहते हैं लगा होता है। इन दो बातों के आधार पर हम विस्मयार्थक वाक्य पहचान सकते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, वाह, लड़का बहुत
सुंदर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यह अरे जो है यह विस्मय सूचक शब्द हुआ, वाह विस्मय सूचक शब्द है और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गए। ये लगे रहते हैं तो यहाँ पे विस्मयार्थक वाक्य पहचान में आ जाता है। अब आगे हम लोग जानते हैं परिवर्तन को। परिवर्तन कैसे करना है, अब परिवर्तन की बारी है कि जो आपको एग्जाम में करना होता है। एग्जाम में कैसे लिखा रहता है कि दिए गए वाक्य को सूचना के अनुसार परिवर्तित कीजिए, परिवर्तन कीजिए। अब जैसे कोई वाक्य दे दिया गया और उसको कहा गया विधानार्थक वाक्य में परिवर्तन, यानी कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का वाक्य है तो उसका परिवर्तन विधानार्थक वाक्य में कैसे करेंगे। देखिए आपको, आप बोलेंगे सर आठ प्रकार होता है, अपने यहाँ पे हमें पांच ही बताया, बोर्ड एग्जाम में केवल पांच प्रकार आएगा, बाकी तीन प्रकार आपके सीखने के लिए, इच्छार्थक वाक्य हो गया या संदेहार्थक हो गया, वह एग्जाम में नहीं आने हैं। तो अब इन्हीं में से बाकी जो चार बचे आपके निषेधार्थक, विस्मयार्थक, प्रश्नार्थक और आज्ञार्थक, उन वाक्यों को आप कैसे परिवर्तित करेंगे। अगर वाक्य मान लीजिए प्रश्नार्थक है, प्रश्नार्थक से अगर आप विधानार्थक बना रहे हैं तो वहां से क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्दों को निकाल देना, निकालना है यदि निषेधार्थक शब्द हैं तो उसे निकालना है। तो विधानार्थक हो जाएगा। जैसे तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, यह वाक्य है। अब इसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्यों प्रश्नार्थक है और साथ में प्रश्नार्थक में निषेधार्थक अक्सर आ जाता है, इन दोनों को निकालना है। अगर हम लिख दें तुम पढ़ाई कर रहे हो तो बराबर नहीं होगा, ये तुम पढ़ाई करो तो विधानार्थक नहीं होगा, वह आपका आदेश आज्ञार्थक हो जाएगा। यहां होना चाहिए तुम की जगह तुम ही पढ़ाई करना चाहिए, यह आपका जो है यह विधानार्थक हो गया। ठीक उसी तरह से अगर अगला हम देखें तो वह है हमारा निषेधार्थक में से भी वही करना है कि आपको निषेधार्थक शब्दों को निकाल देना है, अपने आप वह विधानार्थक बन जाएगा। तो दो हो गए। तीसरा प्रकार है हमारा आज्ञार्थक, आज्ञार्थक से विधानार्थक कैसे बनाएंगे, तो उसमें यही है आदेश सूचक शब्द को की जगह सामान्य वाक्य करना। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने कहा
तुम पढ़ो, आदेशार्थक हुआ, आज्ञार्थक हुआ, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे है तुम खेलने जाओ, आदेश दिया गया है, आज्ञार्थक है, इसका क्या बनना चाहिए, तुम खेलो, तुम सॉरी तुम्हें खेलना चाहिए। अंतिम हमारा एक बच गया विस्मयार्थक। अब विस्मयार्थक में से हम कैसे करें, विस्मयार्थक वाक्य से कैसे हम करेंगे, वहां पे आश्चर्य सूचक शब्द और विस्मयादि बोधक चिन्ह को निकालना है। जैसे अरे तुम घर जा रहे हो, यहां पे देखेंगे विस्मयार्थक वाक्य है, आश्चर्य सूचक शब्द हुआ, विस्मयादिबोधक चिन्ह हुआ, ये दोनों निकालने हैं, इससे क्या बनेगा, तुम्हें घर जाना चाहिए, इस तरह से ये बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा है हमारा प्रश्नार्थक से, प्रश्नार्थक में परिवर्तन करने के लिए प्रश्नार्थक वाक्य में परिवर्तन करना है, क्या करना है कि जो वाक्य दिया है उसमें प्रश्न सूचक शब्द लगाना है। दूसरी बात अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगर कभी कभी परिवर्तन नहीं होते तो वहां पे नहीं का प्रयोग करना है। ये नहीं का प्रयोग तब होता है जब उस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द हमें नहीं मिलता, तब वहां पे हम नहीं का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे उदाहरण में देखें, लड़का खेल रहा है, विधानार्थक वाक्य से कैसे करेंगे, क्या लड़का नहीं खेल रहा है, ध्यान रखें प्रश्नार्थक में अक्सर निषेधार्थक आ जाता है और तब आता है कि जब यहां पे हमें जो मूल बात है उसका विरुद्धार्थी नहीं मिलता है, कार्य का विरुद्धार्थी नहीं मिलता। जैसे कई बार होता है राम सो रहा है, यह वाक्य हुआ, इसका जब हम लिखेंगे क्या राम जाग नहीं रहा है, इस तरह से करेंगे। इसी क्रम में अगर देखें
तो अगला आपका आता है तीसरा आज्ञार्थक। आज्ञार्थक में कोई नियम नहीं है, अंत में जाओ खाओ खेलो कूदो इस तरह से अंत में ओ की मात्रा लगा देते हैं, बस और कुछ नहीं होता। निषेधार्थक शब्दों को बाहर कर देते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। अंतिम अगला है आपका, वह है निषेधार्थक निषेधार्थक बनाते समय ठीक वैसा ही प्रश्नवाचक की तरह ही करना है। तो आपका हो गया विधानार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, निषेधार्थक, और अंतिम है आपका वह है विस्मयार्थक। विस्मयार्थक वाक्य में बदलते समय वाक्य के प्रारंभ में जो नहीं न मत है उसे निकाल दीजिए, प्रश्नार्थक है वह हटा दीजिए, साथ में ही अगर आज्ञार्थक है वह हटा दीजिए, वाक्य के प्रारंभ में अरे लगा दीजिए, वाह लगा दीजिए, और उनके बाद विस्मयादिबोधक ओ आशय सूचक चिन्ह लगा दीजिए, निश्चित है आपका वाक्य विस्मयार्थक बन जाएगा। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।